नमस्कार, हिंदुस्तान टुडे देख रहे हैं आप। मैं हूं अदिति कुशवाहा। आइए देखिए खबर। भेरुंदा पहुंचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एवं पत्नी साधना सिंह। भेरुंदा पहुंचकर मुख्यमंत्री ने दिव्यांगजनों को संबोधित करते हुए कहा कि आपकी सेवा में ही भगवान की पूजा है। दिव्यांगजनों को आवश्यक उपकरण बांटे। भेरुंदा में मुख्यमंत्री चौहान ने आदिवासी समाज के लिए 50 लाख रुपए की लागत से बनने वाली धर्मशाला का भूमि पूजन किया एवं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गोंड समाज की समस्त व्यक्तियों का गर्मजोशी से स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने बताया कि आदिवासी नायकों ने देश के लिए बलिदान और अतुल्य योगदान का उल्लेख करते हुए रानी दुर्गावती की 500वीं शताब्दी के अवसर पर उनका भव्य स्मारक बनाने के साथ ही पूरे देश में गौरव यात्रा आयोजित की जाएगी। भेरुंदा में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपने पूज्य पिताजी एवं माताजी की स्मृति में हो रहे प्रेम सुंदर स्मृति कबड्डी टूर्नामेंट के कार्यक्रम में सम्मिलित हुए, जहां पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा बालक बालिकाओं की कबड्डी का फाइनल मैच कबड्डी ग्राउंड में बैठकर देखा। कबड्डी प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली बालिका टीम भेरुंदा एवं पुरुषों में प्रथम स्थान में आई वीरेंद्र टीम को 1,51,000 का नगद पुरस्कार दिया गया। वहीं दूसरे स्थान पर आने वाली टीम बालिका भेरुंदा एवं पुरुष में बड़वानी टीम को 1,00,000 का नगद पुरस्कार दिया गया। साथ ही इस टूर्नामेंट में तीसरे स्थान पर आने वाली टीम को भी सम्मानित किया गया, जिसमें बालिका लालू कोई एक एवं उसमें नंद गांव की टीम तीसरे स्थान प्राप्त करने पर 51,000 का नगद पुरस्कार दिया गया। सीहोर से संवाददाता दिनेश चौरसिया की रिपोर्ट। जबलपुर में तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उनके स्मारक बनाने का काम किया। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, एक तरफ अपनी संस्कृति, अपनी परंपराएं, अपने जीवन मूल्य, अपनी लोक कला, अपनी संस्कृति, उसको हम बना के रखने का काम करेंगे और दूसरी तरफ हमारा समाज लगातार आगे बढ़ते रहे, इसमें कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। जहाँ तक अपने इन क्षेत्रों का सवाल, आप जानते कुछ सालों पहले तक अपने क्षेत्रों की हालत क्या थी।